बिजनेस का नाम सुनते ही दिमाग में तस्वीर बनती है ढेर सारी मेहनत और ढेर सारे पैसे का इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम अभी ऐसे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लागत 1 से 3 हजार तक आएगी, लेकिन मुनाफा अच्छा हो सकता है। बस जरूरत है बिजनेस को अच्छे से चलाने की। तो ज्यादा समय ना खींचते हुए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन बिजनेस जिनमें लागत बेहद कम है लेकिन मुनाफा बहुत अच्छा। अचार बनाने का बिजनेस। अचार या पिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेवन भारत के हर घर में होता है। अचार का उपयोग पूरे भारत में होने के कारण ये बिजनेस बहुत चलन में है। अचार का बिजनेस बिना किसी खास इन्वेस्टमेंट से आप अपने किचन से शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। इस बिजनेस को आप घर से ही छोटे स्तर पर 1,000 से 3,000 तक की लागत से शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप एक किस्म का अचार बनाए, जब बिजनेस बढ़ने लगे तो आप कई तरह के अचार बनाकर बेच सकते हैं। टिफिन सर्विस। नाश्ते की ही तरह लंच भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना गुजारा नहीं। जब तक शरीर में भोजन नहीं पहुंचता तब तक कोई काम नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत भी आप 2 से 3 हजार की लागत में कर सकते हैं। सबसे पहले दफ्तरों और सोसाइटीज में जुड़े, सिर्फ 5 या 10 टिफिन पहुंचाएं, लोगों को पसंद आए तो संख्या बढ़ाएं। इस बिजनेस को भी 1,000 से 3,000 तक शुरू करें। चाय की दुकान। कम पैसे से बिजनेस शुरू करने वालों के लिए चाय की दुकान एक अच्छा विकल्प है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर जगह और सालों भर चलता है। इसके लिए गांव से लेकर शहरों तक सभी जगहों पर काफी स्कोप है। बेशक ये बिजनेस ठंड के मौसम में उफान पर होता है, लेकिन पीने वाले गर्मियों में भी खूब पीते हैं। इसकी शुरुआत महज 2,000 रुपए से की जा सकती है। एक ठेला लगाकर भी आप चाय बनाकर बेच सकते हैं। होम ट्यूशन। अगर आप किसी भी विषय में अच्छे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आजकल गांव हो या शहर, शिक्षा को लेकर हर कोई जागरूक है। हर जगह अच्छे शिक्षकों की कमी है। ऐसे में वहां के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आप उनका भला करेंगे और साथ ही अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप कम लागत में आसानी से शुरू कर सकते हैं। होम ट्यूशन एक और अच्छा विकल्प है जिसमें बच्चों के घर जाकर उन्हें पढ़ाना होता है। पापड़ बनाने का बिजनेस। हमारे देश में पापड़ की बहुत डिमांड है। पापड़ एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में हुआ करता है। हमारे यहाँ पापड़ त्योहारों में, शादियों में और भी बहुत से प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल हुआ करता है। इस बिजनेस को आप अकेले ही घर से 1 से 3 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।